एशिया कप में होने वाले फाइनल मैच जो कि टीम इंडिया वर्सेस टीम श्रीलंका के बीच में 28 जुलाई रात को 7 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश की टीम को 10 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। वहीं श्रीलंका की टीम दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। अब होगा महामुकाबला एशिया कप 2024 का फाइनल टीम इंडिया वर्सेज टीम श्रीलंका के बीच। T20 एशिया कप के रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया अभी तक 4 T20 एशिया कप में 3 बार की चैंपियन रह चुकी है और वही टीम श्रीलंका 4 T20 एशिया कप में से 2022 की रनर अप रह चुकी है। आइए जानते हैं दोनों टीमों के T20 मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। दोनों टीमों के बीच अभी तक 24 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं जिसमें से टीम इंडिया ने 19 और 5 मैचेस टीम श्रीलंका ने जीते हैं। आप सभी को ये जरूर जानने का इंतजार होगा कि दोनों टीम किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, तो देर किस बात की। आइए जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 एशिया कप 2024 के फाइनल मैच के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना। टीम श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो विश्मिक गुणारत्ने, नीलक्षी डी सिल्वा, हर्षिता समर विक्रमा। टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोड्रिगस, रिचा घोष। टीम श्रीलंका के मिडल ऑर्डर की बात करें तो हसनी परेरा, अनुष्का संजीवनी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर की बात करें तो दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर। टीम श्रीलंका के ऑलराउंडर की बात करें तो चमारी अथापार्थु, उदेशिका प्रबोधनी। टीम इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव। टीम श्रीलंका के बॉलर्स की बात करें तो काव्या कविनिधि, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी, अचनी कुलसरिया। तो ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 टीम श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में होने वाले फाइनल मैच के लिए। आपको क्या लगता है इस मैच को दोनों ही टीम में से कौन सी टीम जीत पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।